हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश और आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएसबी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इसके कितने वर्जन्स हैं इसके बारे में, और इनके वर्जन के बीच में किसकी कितनी स्पीड है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यूएसबी टाइप्स के बारे में बताता हूं। तो ये आते हैं यूएसबी तीन टाइप्स के, जिसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, टाइप ए जो नॉर्मल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि पेन ड्राइव वगैरह में भी हमें मिलता है। टाइप बी है जो ज़्यादातर प्रिंटर के लिए कनेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, और टाइप सी जो कि लेटेस्ट आजकल के पोर्ट्स में आने लगे हैं मोबाइल पोर्ट में, जैसे MI A11 में आप देखेंगे, या फिर कुछ जैसे एक नए लैपटॉप आए हैं आइडिया पैड 320, उसमें टाइप सी पोर्ट का यूज़ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि टाइप ए में ज़्यादा स्पीड मिलेंगी, टाइप बी में कम स्पीड मिलेगा, इस तरह से ये टाइप्स के ऊपर नहीं, ये फिजिकली पोर्ट कनेक्टर अलग अलग है, जो जिसे यूएसबी कहा जाता है, यूएसबी पोर्ट्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन जो है इसके वर्जन के रूप में, तो वर्जन के ऊपर इसकी स्पीड डिपेंड करती है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, जो हम बोर्ड पर अभी लिखते हैं और आपको ये देखें किसकी कितनी स्पीड है, इसे मैं आपको एक चार्ट के रूप में दिखाता हूँ। पहले हम बना लेते हैं इसका यूएसबी वर्जन, दूसरे में इसकी स्पीड, तीसरे में इसकी कलर, एक कौन कौन से कलर में हमें मिलेंगी। पहला वर्जन जो है यूएसबी 1.0, इसकी स्पीड जो थी 1.5 Mbps की थी, Mbps, और ये जो कलर में आती है ये वाइट कलर में आती है। इसके बाद आया यूएसबी 1.1, इसकी स्पीड बढ़ करके हो गई मैक्सिमम 12 Mbps की, और ये भी वाइट कलर में ही आती है। इसके बाद आया यूएसबी 2.0, इसकी स्पीड है मैक्सिमम 480 Mbps, और ये कलर में आता है ब्लैक कलर में। इसके बाद आया यूएसबी 3.0, जिसकी स्पीड है 5 Gbps, और ये कलर में आता है ब्लू कलर में। इसके बाद आया यूएसबी 3.1, जो कि 3.0 की फर्स्ट जनरेशन है, और इसकी स्पीड होती है 10 Gbps 3.1, और ये भी ब्लू कलर में ही आती है। तो इस चार्ट में आप देखना, आपने देखा यूएसबी 1.0 जो कि सबसे पहले 1996 में आई थी, तब से ये यूएसबी अब तक ये आया हुआ है। तो आजकल के लैपटॉप या डेस्कटॉप में हमें सबसे ज़्यादा ये यूएसबी 2.0 और 3.0 का पोर्ट मिलता है, जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये 1.0 और 1.1 पोर्ट हमें डेस्कटॉप में आगे फ्रंट पैनल में मिलती है, जो कि आप इस सिस्टम में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्ट है वाइट कलर की है, वाइट कलर की है इसमें, और आप पेन ड्राइव वगैरह में देखेंगे, ये देखिए तो ये ब्लैक कलर की है। ये पेन ड्राइव 2.0 की है, और एक पेन ड्राइव मेरे पास होगा, इस पेन ड्राइव को मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इसमें ब्लू कलर की पोर्ट है, ये ब्लू कलर की पोर्ट है, और ये जो पेन ड्राइव है ये है 3.1 की, ये 3.1 की है, ब्लू कलर में ही आता है। और आजकल के सिस्टम में, लैपटॉप में आपको 2.0 और 3.0 की पोर्ट सबसे ज़्यादा मिलती है। 3.1 अभी पूरी तरह से सभी डेस्कटॉप वगैरह में आया नहीं है, सभी लैपटॉप वगैरह में नहीं आया है, और सबसे ज़्यादा आपको 2.0 और 3.0 मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.0 का स्पीड जो है 1.5 Mbps, और 1.1 का 12 Mbps, और 2.0 का 480 Mbps, 3.0 का 5 Gbps, 3.1 का 10 Gbps। और जो मैंने यहाँ पर इसके सबके कलर डिसाइड किए हैं, तो 1.0 और 1.1 का कलर जो है वाइट में ही मिलेगा, और 2.0 ब्लैक में मिलता है, और 3.0 और 3.1 जो ब्लू कलर मैंने लिखाया है ये कोई कंफर्म नहीं है। कुछ लैपटॉप्स में आजकल ये ब्लू कलर की जगह ब्लैक कलर में भी आ रही है।
तो इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्पीड किस पेन ड्राइव की, किस पोर्ट की स्पीड कितनी है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड लिखा दिए हैं, तो ये इतनी स्पीड तो मिलती नहीं है जब हम पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं, इतनी स्पीड नहीं मिलती है। 3.0 का पोर्ट पेन ड्राइव अगर आप कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 12 Mbps या फिर मैक्सिमम 22 Mbps इस तरह का स्पीड मिलता है 3.0 वाले में। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3.0 में 5 Gbps का मैंने लिखा है, तो 5 Gbps का स्पीड क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पर मेन कारण है आपके मदरबोर्ड का, आपके सीपीयू का वर्जन लेवल, और जो आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है उसका लेवल। उसका लेवल अगर उस तरह से नहीं होगा तो वो पेन ड्राइव उतनी स्पीड नहीं देती है। अगर आपने 3.0 का पेन ड्राइव खरीदा रखा है और उसे आपने 2.0 पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है, तो 3.0 का पेन ड्राइव होते हुए भी उतना स्पीड नहीं मिलेगा, आपको 2.0 का ही स्पीड मिलेगा। इसलिए ये डिपेंड करता है स्पीड प्रॉपर उसके हार्डवेयर के लेवल के ऊपर और उसकी पोर्ट और कनेक्टर्स के ऊपर। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसबी के कितने टाइप्स होते हैं और कितने वर्जन्स हैं जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं और उसकी स्पीड कितनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट लिस्ट में टाइप करें, उसका सोल्यूशन हम जरूर देंगे। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ बेहतर टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जा सकता है तो उसे आप प्लीज़ कमेंट लिस्ट में देखें, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स लैपटॉप के अलावा मोबाइल, टैबलेट, एलईडी टीवी, इन सब की रिपेयरिंग की कोर्सेज कराई की जाती हैं। अगर आपको इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें और एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सवाल जवाब आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप इस कोर्स में ज़रूर एडमिशन लें ताकि इस फील्ड में बहुत ही ग्रोथ है। आप अपना आजकल देख रहे हैं मार्केट में कितनी बेरोजगारी है, आप इस कोर्स को करके अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतर है, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।